हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 20 अगस्त 2021। तो 20 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 19 अगस्त को। फोटोग्राफी को एक हॉबी के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाई जाती है, और दुनिया भर के फोटोग्राफरों को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ तस्वीरें साझा करने के लिए प्रेरित करता है। पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। अब जान लेते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में। विश्व फोटो दिवस की शुरुआत 1837 में फ्रांसीसी लुइस डॉगेर और जोसेफ नाइसफोर निप्से द्वारा विकसित एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डॉगरोटाइप के आविष्कार से हुई है। यह 19 अगस्त 1939 को था कि फ्रांसीसी सरकार ने डॉगरोटाइप प्रक्रिया का पेटेंट खरीदा था और आविष्कार की विश्व के लिए मुफ्त उपहार के लिए रूप में घोषणा की थी। तो जब से यह आविष्कार हुई है डॉगरोटाइप, तब से यह दिवस मनाने की जागृति, मतलब फोटो दिवस मनाने की जागृति सामने आई है। लेकिन 19 अगस्त 2010 से, मतलब प्रतिवर्ष के रूप में 2010 से हर वर्ष मनाई जाने लगी है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी ये भी कल ही के दिन यानी 19 अगस्त को मनाई गई है। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपने जान जोखिम में डाली। 2021 में हम 12वां WHD यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे विश्व मानवतावादी दिवस मना रहे हैं। 2021 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का विषय रहा है #TheHumanRace है जलवायु कार्रवाई के लिए एक विशेष चुनौती उन लोगों के साथ एकजुटता में जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब 19 अगस्त ही क्यों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 19 अगस्त उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन इराक के महासचिव तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में मारे गए थे। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद 19 अगस्त 2009 को विश्व में पहली बार विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया। तो इतना बात हम लोग जान लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 5वीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के क्षितिज का विस्तार करने का आह्वान किया है। भारत के पास 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता है। इस वर्ष भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए निरंतरता, समीकरण और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग की थीम को चुना है। यह इमेज में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के पीयूष गोयल। अब बात हुई है ब्रिक्स के बारे में, तो हम लोग ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। यह है ब्रिक्स देश का लोगो। ब्रिक्स एक 5 सदस्यीय देशों का उभरते हुआ अर्थव्यवस्था, जिन जिन देशों का है उस देशों का एक सदस्य संगठन है, जिसमें बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चीन तथा एस से साउथ अफ्रीका है यानी दक्षिण अफ्रीका है। इन सभी देशों को जोड़ने के लिए बनाया गया एक संक्षिप्त नाम है ब्रिक्स। सदस्य क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ब्रिक्स का स्थापना हुई थी जून 2006 में तथा इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स टाउन में है। इसका स्थापना किया गया था यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इसका भी है तथा इसका
स्थापना भी किया गया था यहीं पर। इसका तो स्थापना कब हुई थी हम लोग बता दिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा सरकार। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद ओडिशा सरकार अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी। राज्य सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करना शुरू किया। टीमों ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 10,00,000 रुपये नगद पुरस्कार देते हुए कहा है। अब बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में उड़ीसा राज्य। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तथा यहाँ का गवर्नर गणेशी लाल जी हैं तथा नवीन पटनायक यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दो मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्टार और लोकप्रिय टीवी होस्ट अनंत कन्नन का निधन हो गया है? तो एक तमिल स्टार थे जिनका नाम था अनंत कन्नन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिल स्टार और लोकप्रिय टीवी होस्ट अनंत कन्नन, यह है इमेज में अनंत कन्नन, इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई जाने से पहले सिंगापुर में वसंतम टीवी के साथ अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने सन म्यूजिक के साथ वीडियो जॉकी के रूप में काम किया। उन्होंने वेंकट प्रभु की सरोजा 2008 में अतिथि भूमिका निभाई। अनंत कन्नन के बाद विज्ञान कथा तमिल फिल्म अदिशय उल्कम 2012 में एक पूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात हुई है तमिलनाडु, तमिल फिल्म तमिलनाडु के बारे में, तो हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यह है इमेज में तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ का राज्यपाल है। एमके स्टालिन यहाँ का मुख्यमंत्री है। 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें तथा 234 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग जान लिए तमिल कन्नर जो अनंत कन्नन जी हैं उनके बारे में तथा तमिलनाडु के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में सेना ने जम्मू कश्मीर में कितना किलोमीटर लंबी जज्बा या तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 400 किलोमीटर। जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा या तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को मेजर जनरल राजीव पुरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस ऑफ पेड्स डिवीजन ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिन्होंने रिले का नेतृत्व किया, जिसके बाद अन्य सैनिक कर्मियों ने बारीकी से काम किया। अब बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल फॉलो रहता है अभी, मतलब लागू है। 89 लोकसभा सीटें हैं, 36 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है, यह एक यूटी है। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एसबीआई लाइफ ईशील्ड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है एसबीआई लाइफ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एसबीआई लाइफ ईशील्ड नेक्स्ट नामक एक अद्वितीय नई युग सुरक्षा समाधान लॉन्च करने की घोषणा की है, जो बीमा धारक के जीवन के प्रमुख मील के पत्थर हासिल करने के साथ सुरक्षा कवरेज का स्तर ऊपर करता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी ना तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है और न ही पॉलिसी धारकों के साथ कोई लाभ या लाभांश साझा करती है। अब हम लोग जाने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी एसबीआई बैंक के बारे में भी, तो हम लोग दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। यह एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके वर्तमान में सीईओ है महेश कुमार शर्मा तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना मार्च 2001 में हुई थी। इसका पैरेंट ऑर्गेनाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तथा सब्सिडियरी इसका है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा एसेट मैनेजमेंट आर्म। अब जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका चेयरपर्सन अभी दिनेश कुमार खारा जी हैं तथा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना बात हम लोग SBI बैंक तथा SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जान लिए हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर स्टेट बैंक का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वियतनाम। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी ने दोनों नौसेनाओं के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण चीन सागर में एक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास किया है। भारत ने INS रणविजय और INS कोरा ने अभ्यास में भाग लिया था भारत की तरफ से, और वियतनाम पीपल्स नेवी से फ्रिगेट VPNS LY थाई टो मुख्यालय 012 ने ड्रिल में भाग लिया था। अब चलते हैं बात हुई वियतनाम नेवी के बारे में तथा वियतनाम के बारे में, तो हम लोग वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी के बारे में तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, इंडियन नेवी का लोगो, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, इसके बारे में पूरी डिटेल दिया हुआ है। ऐसे भी हम लोग रोज इंडियन नेवी के बारे में लगभग लगभग पढ़ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज RBI तथा इंडियन नेवी के बारे में रहता है, तो दोनों के बारे में हम लोग रोज रिवाइज करते हैं। अब चलते हैं वियतनाम पीपल्स नेवी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1955 को वियतनाम में हुई थी। इसका कमांडर इन चीफ यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट न्यूगेन जुआन फुक है। इसका हेडक्वार्टर नेवी कमांड 27 हांगकांग डिस्ट्रिक्ट हाईपोंग में है। अब चलते हैं बात हुई वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ का करेंसी डोंग है तथा वियतनामी यहाँ का लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट यहाँ का न्योगेन जुआन फुक है तथा प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है फाम मिन चिन। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से यहाँ जो डिनोटेड है वियतनाम देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केन्या देश में। केन्या की राजधानी नैरोबी में शुरू हुआ है। गवर्निंग बॉडी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि दुनिया भर में महत्वपूर्ण उपकरणों की यात्रा और रसद पर यात्रा करने वाले टीमों को कोविड-19 का प्रभाव एक चुनौती साबित हुआ है। यह आयोजन मूल रूप से 2020 के लिए निर्धारित किया गया था। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 17 से 22 अगस्त 2021 तक आयोजित की गई है। अब बात हुई है केन्या देश के बारे में, तो केन्या के बारे में जान लेते हैं। केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। केन्या शिलिंग यहाँ का करेंसी है तथा स्वाहिली तथा इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ का है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ केन्या का प्रेसिडेंट है उहुरू केन्याटा। यह है वर्ल्ड मैप में केन्या देश, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पियर श्रीजेश को। यह है इमेज में पियर श्रीजेश, यह इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है। आप इनसे ध्यान से देख लीजिएगा, यह बहुत ही फेमस इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है। इन्हें हाल ही में ओलंपियन पर टू, इनका पूरा नाम है पर टू यानी PR पर टू रविंद्रन श्रीजेश, गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को केरल में साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाना तय है। श्रीजेश उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स खेलों में कांस्य पदक जीता था। पिया श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। अब बात हुई केरल के बारे में, तो हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में केरल। पिनराई विजयन यहाँ का मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ का गवर्नर है तथा तिरुवनंतपुरम यहाँ का राजधानी है। 20 लोकसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें हैं तथा 140 यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर का पेरियार तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राउंड ट्रिपिंग के लिए रेगुलेटरी गार कौन फेस करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि RBI। RBI राउंड ट्रिपिंग को हतोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश से संबंधित मौजूदा विनियमन में संशोधन के साथ एक मसौदा नियम लेकर आया है। केंद्रीय बैंक मौजूदा नियमों में बदलाव करना चाहता है और राउंड ट्रिपिंग के लिए मसौदा नियमों के साथ आया है। कुछ सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों, स्टार्टअप्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में उपस्थिति के साथ अपने आउटबाउंड निवेश धन उगाने और पुनर्गठन योजनाओं को रोक दिया है, क्योंकि RBI राउंड ट्रिपिंग के आसपास नए नियमों को पेश करना चाहता है। अब बात हुई RBI के बारे में, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत के सभी बैंकों का कंट्रोलर है, संचालक है, यानी यह भारत के इकोनॉमिक
डेवलपमेंट यानी अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में ही 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी लेकिन मुख्यालय वर्तमान में इसका मुंबई में है। इसका 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी अपने पद पर हैं, गवर्नर के पद पर। तथा यह है RBI का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है जनरल बिपिन रावत के द्वारा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत द्वारा। बिपिन रावत को लेखक मेजर जनरल राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी पुनिया द्वारा ऑपरेशन खुकरी पुस्तक भेंट की गई। पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के हिस्से के रूप में सियेरा लियोन ने में भारत सेना के सफल बचाव मिशन पर प्रकाश डालती है। वर्ष 2000 था, पश्चिम अफ्रीका में सियेरा लियोन वर्षों के गृह संघर्ष से तबाह हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से भारतीय सेना की 2 कंपनियों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में कैलाहुन में तैनात किया गया था। अब यहाँ पर ऑपरेशन खुकरी के बारे में दिया हुआ है, तो जान लीजिए ऑपरेशन खुकरी के बारे में। ऑपरेशन खुकरी भारतीय सेना के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में से एक था और यह पुस्तक मेजर राजपाल पुनिया का पहला हाथ है, जिन्होंने 3 महीने के गतिरोध और असफल कूटनीति के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 बार जंगल युद्ध में लंबे समय तक RUF के घात से बचे रहे और लौटना सभी 233 सैनिकों के साथ लंबे समय तक खड़े होकर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क 5.0 के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण। यह गुरुवार को रक्षा मंत्री ने शुरू किया है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी IDEX और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DIO के ओर से शुरू किए गए DISC 5.0 रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों को एक मंच मिलेगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत चैप प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है यानी कि DRDO। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लाखों विमानों को दुश्मन से रडार के खतरे से बचाने के तकनीक विकसित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में DRDO का एक और कदम बताया है। फिलहाल इस तकनीक को बड़ी संख्या में विकसित करने के लिए उद्योग को लहरी झंडी दे दी गई है। तो इतना बात हम लोग जान लिए DRDO के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले और आज का अंतिम प्रश्न है, जल्द ही 23 अगस्त को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जल्द ही यानी 23 अगस्त को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। यह है देश का सबसे पहला स्मॉग टावर। यह इमेज में आप ध्यान से देख लीजिए, इसे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के राज्य सरकार है यानी मुख्यमंत्री है, वो लॉन्च करने वाले यानी उद्घाटन करने वाले हैं। यह रहा न्यूज, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं दिल्ली के बारे में बात हुई है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यह है एक भारत का छोटा सा यूटी दिल्ली। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली तथा अनिल बैजल जी यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है तथा चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल वही चीफ मिनिस्टर जिनका इमेज हमने पहले आपको दिखाया जो जल्दी स्मॉग टावर का उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क एक है जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यह एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, किस राज्य ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है यानी ई क्रॉप सर्विस इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र सरकार। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे। तथा आज के प्रश्न आपके लिए है, किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें, कौन से बैंक शुरू करने की घोषणा की है तथा इस प्रश्न का आप जरूर दें। तथा आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे और सभी लोग दिए होंगे। तथा प्रत्येक दिन से बनने वाला डेज को आप कमेंट बॉक्स से सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बने और
पूरे डेज को आपको ध्यान में रहने लगे हैं। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।